ए धरती फाट जन भोरे भीनु सरवा में हमके ले लनाया पनी शरणवा में माता ले लनाया पनी शरणवा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जवे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जितनी भी पत्नियां हैं उनके लिए ये वीडियो है सावन स्पेशल। थोड़ा सा बता देती हूँ कि पति को खुश करने के लिए हमें कौन से 5 नियम, जो बड़ा सुलझे हुए छोटे छोटे नियम हैं, वो हमें करनी चाहिए, जिससे हमारे पति देव बहुत अधिक प्रसन्न रहे हमारे ऊपर और भगवान न करे कि किसी भी पति पत्नी में अनबन हो, झगड़े हो, मन मुटाव रहे, प्यार न रहे। भगवान से हमारी यही दुआ है कि हर पति पत्नी आपस में मिलजुल कर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 टिप्स, 5 नियम क्या हैं। तो सबसे पहला नियम है, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए, हर पत्नियाँ तो ये सब गलतियाँ नहीं करती हैं, पति को खुश करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करती हैं, उनके मन पसंद लायक हर चीज़ करती हैं। लेकिन कई पत्नियाँ हैं ना कि दिल से अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम पति को खुश नहीं कर पाते हैं। तो वो गलतियाँ क्या है कि मान लीजिए कि आपके पति कहीं बाहर से आते हैं, और हम औरतों का ना एक ऐसा नियम है कि जब हम अपने हाथों से पोछा लगाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई ना चले, ना बच्चे चले, ना बड़े चले। और बहुत सारी लेडीजें चिक चिक करती रहती हैं, बच्चों के ऊपर भी गुस्सा करती हैं और पति को भी चलने नहीं देती हैं। पति को भी ना, जैसे पति चलते हैं तो उनको गुस्सा आता है, रुक जाइए, मत आइए, गुस्सा करती हैं कि मत चलिए, क्योंकि मेहनत जो करता है उसको थोड़ा लगता है कि उस पर कोई ना चले। लेकिन देखिए, आप बहुत भारी वो एक भूल भी कर रही हैं, बच्चों का थोड़ा बहुत आप डांट सकती हैं, लेकिन अगर हमारे पति गलती से आपके लगाए हुए पोछा पे चलते हैं ना, तो हमें रोकनी नहीं चाहिए। एक तो बहुत सारे पति लोग डर के चलते हैं, जल्दी चढ़ते नहीं हैं कि पत्नी गुस्सा करेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर चढ़ जाते हैं आपके पोछा, जो आपने पोछा है उसके ऊपर चलते हैं, तो आपको डांटनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है पैर धोए हैं, जैसे बेड पे भी पति जाते हैं ना बाहर से आके, गलती से किसी कारणवश पैर धोते भी हैं, तो उतने अच्छे से कोई कोई पति नहीं धो पाते हैं, तो बहुत सारी पत्नियां चिक चिक करते रहती हैं, ये गंदा हो जाएगा, वो गंदा कर दिए, इस तरीके से ऐसे चढ़ गए बेड पे, पोछा के ऊपर चलने लगे, तो इस तरीके से मत कीजिए। देखिए, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी एक स्टोरी है, लेकिन मैं कहूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे पति हैं तभी हमारा घर साफ रहेगा तो अच्छा लगेगा, हमारे पति हैं तभी हमारा बेड भी अच्छा लगेगा। तो हर चीज़ तो पति से ही होकर जाना है, और पति हैं तभी सब कुछ सुहावना लगेगा, सुंदर लगेगा, कलरफुल लगेगा। तो गंदा और साफ से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और पति ही ना रहे तो वो बेड किस काम का, वो आपका पोछा लगाना किस काम का, कि हम पोछा लगाए हैं पति को उस पर चलने नहीं देंगे, हम बेड पे आज न्यू बेडशीट डाले हैं तो आप गंदा पैर लेके चढ़ गए, तो ये सब चीज़ें ना नहीं करनी चाहिए। गंदा होगा तो फिर धो लेंगे, घर गंदा होगा, पोछा ही लगाए हैं, गंदा हो गया तो फिर धो, उसको पोछा जाएगा। लेकिन पति से बड़ा परमेश्वर हमारे लिए कोई नहीं है। ये ना कि वो गंदा कर दिए तो हम बहुत सारा उल्टे फुलटे बात बोलने लगे, उनके ऊपर चिक चिक करने लगे, तो ये सब बातों से अब पति को कैसे खुश कीजिएगा। तो इसलिए ये सब गलतियाँ आप मत कीजिए, अगर पति को खुश रखना चाहती हैं तो। सभी औरतें तो नहीं करती हैं, लेकिन कई सारी औरतें हैं मैं देखती हूँ अपने पोछे हुए पोछा पे चलने नहीं देती हैं किसी को। तो ये गलतियाँ मत कीजिए अगर पति को खुश रखना चाहती हैं तो। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि हमारे पति की बात को हमें नहीं काटनी चाहिए। ये ना कि मान लीजिए कहीं का बातें वो कर रहे हैं, या ऑफिस का हो, या अपने गांव घर का हो, फैमिली परिवार का हो, तो ये ना कि बीच में ही काट कर हम बोलने लगे। उनके बात को आपको ध्यान लगा कर सुननी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा ना कि हम उनके बात को काट दिए और फिर काट के अपनी बात कहने लगे, और उसी में पति पत्नी में फिर नोक झोंक होने लगी, तो आप खुश कैसे कीजिएगा।
फिर तो पति वहीं दुखी हो जाएंगे कि बात को पूरा सुने बिना फिर दोनों में अनबन हो जाए, तो ये तो सही नहीं है। तो इसलिए कोई भी बात वो कर रहे हैं ना, बता रहे हैं, तो उसके पे गौर फरमाइए। जैसे कोई बात ही कर रहे हैं कि मान लीजिए कल मुझे इतने बजे यहाँ जाना है, ये करना है, टिफ़िन पैक कर देना, लंच दे देना, तो ये ना कि हम सुन रहे हैं, आधा सुन रहे हैं, आधा कान से इधर निकाल रहे हैं और कल लेट हुए जा रहा है और फिर हम भूल गए, तो पति को आप कैसे खुश रख पाइएगा। तो यही हमारी जो कमजोरियाँ हैं ना, सबके अंदर नहीं है। देखिए बहुत सारी पत्नियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई सारी अच्छी होते हुए भी थोड़ा सा लापरवाही की वजह से ना पति का दिल नहीं जीत पाती हैं और उनको खुश नहीं रख पाती हैं। तो ये मत कीजिए, जो कहते हैं उस बात को काटिए मत और गौर से उनकी बातों को थोड़ा सुना कीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि हमें कभी भी कोई भी पोशाक पहने, कोई भी ड्रेस पहने, जब तक उसमें पति की इजाज़त ना हो, वो मन ना दें, तो हमें नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि दिखाना है किसको? पति को ही दिखाना है। तो मान लीजिए हम जीन्स टॉप पहनते हैं या चूड़ीदार पहनते हैं, उनको कहीं नहीं पसंद है, कहीं साड़ी पसंद है, मान लीजिए कहीं उनको साड़ी पहनना ही आपके लिए नहीं पसंद है, तो आप उस तरीके का पोशाक मत पहनिए, वैसा ड्रेस मत पहनिए जो हमारे पति को अच्छा नहीं लगे। क्योंकि पति से ही हमारा सब सुख है और वही खुश नहीं रहेंगे, उन्हीं के लिए हम सजते संवरते हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, और वो चीज़ उनको अगर पसंद ही नहीं है तो किस काम का हमारा पहनना और ओढ़ना। तो इसलिए कभी भी पति के पसंद के कपड़े पहने जो उनको पसंद है। अगर वो चाहते कि यहाँ ये चीज़ पहनो तो आप वही पहनिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम है कि कोई भी बात हो, किसी बात पे कोई मसला हो या कोई समस्या हो या भविष्य में कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, जैसे किसी भी बात को लेकर, कोई भी बात हो सकता है, वो घर के लिए हो सकता है या अपने बारे में या कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग, तो दोनों को मिल कर ना प्लानिंग करनी चाहिए। पति के साथ पत्नी को अवश्य साथ देनी चाहिए दोनों मिलकर। और पति को भी बता देती हूँ कि थोड़ा सा पत्नी से बिना राय लिए हर कार्य मत कीजिए। देखिए ऐसे तो कहा जाता है कि पति जिस घर में पुरुष की चलती है वो घर बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है, अच्छी बात है, पुरुष की चलनी भी चाहिए, और लेकिन तो भी कहीं ना कहीं पत्नियों का राय भी ना बहुत मायने रखता है। और आप जो दोनों आदमी मिलकर अगर प्लानिंग करते हैं ना, तो उस चीज़ में उसमें आपको धोखा मिलने का ना चांसेज बहुत कम रहता है। तो इसलिए दोनों के विचार विमर्श दोनों को करके ही कोई भी प्लानिंग भविष्य के लिए करनी चाहिए, हो बच्चों के लिए हो या किसी और भी कार्य के लिए। तो पत्नी को भी साथ देना चाहिए और पति को भी साथ देनी चाहिए, तब आप प्लानिंग कीजिए। ये भी हमारे पति पत्नी के बीच के रिश्ते को ना बड़ा खुशनुमा, इससे हमारा रिश्ता आगे बढ़ता है, दोनों में ना इससे प्यार भी बढ़ता है और एक दूसरे को लगता है ना कि जैसे ये कोई भी प्लानिंग करें तो चलो हमसे छुपा नहीं रहे, पत्नी के दिल में भी ये बात का दुख नहीं रहता है। तो इसलिए पति को भी बतानी चाहिए और पत्नी को भी बतानी चाहिए और मिलजुल कर प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम हमारा क्या है? पांचवा नियम है कि पत्नी को ना थोड़ा सा खुशनुमा रहनी चाहिए, जिससे हमारे घर में ना पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है। और पति भी बाहर से थके हारे आते हैं तो उनको भी एनर्जी मिलती है अगर आपको खुश देखते हैं तो। आप मुंह लटका के रहिएगा तो वो पति को क्या एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा खुशनुमा माहौल रखनी चाहिए और पति के बेड वगैरह को भी थोड़ा साफ़ सुथरा सजा कर रखिए कि वो जैसे सोने जाएं तो उनको ऐसा ना लगे कि इतना गंदा बच्चे उस पर खेले हैं, खाए हैं और गंदा बेड पड़ा है और फिर पति को हम भेज दे के जाकर सो जाइए। तो इस तरीके से मत रखिए, बेड वगैरह का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, चादर वगैरह बेडशीट हमारा साफ़ सुथरा रहे, बेड वगैरह अरेंज कर दीजिए। अगर बच्चे भी गंदा कर दिए हैं खेल के कूद के तो आप थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, फिर पति को सोने के लिए आप भेज सकते हैं कि जाकर सो जाइए। और आपको पति से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी नहीं करनी चाहिए, ये भी अच्छा नहीं होता। वो छोटी छोटी नोक झोंक है, हर बात को दिल पर मत लीजिए, उसको ना हवा जैसा उड़ा दीजिए। और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना भी सही नहीं है। और पति और पत्नी में सबसे बड़ा चीज़ जो है जिससे पति को खुश कर सकते हैं या पत्नी को खुश कर सकते हैं, वो क्या है कि एक दूसरे के मन में जो बातें चल रही है ना या कोई और भी बातें, आप छुपाएं ना, बिल्कुल ना छुपाएं, खुल कर शेयर करें। इससे जो है ना आपके मन में जितने मतलब दिल में दर्द है या किसी तरह का बात है, एक दूसरे से शेयर करने से बहुत ताकत मिलती है।
तो आप ज़रूर शेयर करें। तो यही हमारे कुछ 5 टिप्स थे, नियम थे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से थोड़ा सा आप लोग को लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा खुश रहिए।